हेलो एवरीवन, सो ये वीडियो है म्यूचुअल फंड्स पे। बेसिकली एक इंसान को कितने म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड्स कंसिडर करने चाहिए और आखिर मेरे पोर्टफोलियो में कितने और कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। साथ ही ये भी बताएंगे मैंने क्यों इन म्यूचुअल फंड्स को प्रिफर किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीफ में जान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली स्टॉक्स और बॉन्ड्स का, जो प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब बात कर लेते हैं कुछ जनरल टर्म्स की जो हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। पहला है रिस्क लेवल। जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं, और जितना कम रिस्क होगा उतने ही कम परसेंटेज मिलता है आपको रिटर्न का, तो हमें एक बैलेंस लेके चलना है। सेकेंड पे आता है डायरेक्ट प्लान्स वर्सेस रेगुलर प्लान। तो डायरेक्ट प्लान्स में ज़्यादा पैसा बनता है, जो ग्रोथ आपके प्लान्स होते हैं आपको उस पे जी लिखा हुआ मिलता है या ग्रोथ वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। थर्ड पे आता है कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स। एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हुए अगर दिखाई देते हैं तो उन म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर कीजिए। फोर्थ पे आता है एग्जिट लोड। आपका एग्जिट लोड नेग्लिजिबल होना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ऐसे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे जिसमें एग्जिट लोड ज़ीरो है, तो हम ऐसे म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करते हैं। और फिफ्थ है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो अगर 1% से लेस है तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर कोई म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दे रहा है और वो एक्सपेंस रेशियो उसका 1% भी है तो भी आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। पर्सनली हम कुवेरा ऐप को यूज़ करते हैं क्योंकि इस पर साइन अप करना, इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही इजी है, कोई हेक्टिक प्रोसेस नहीं है, और इसमें आप रिटर्न परसेंटेज बहुत ही इजीली कंपेयर कर सकते हैं। सभी म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक्स को आप एक ही जगह पर देख सकते हैं और अपने रिस्क के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मोर ओवर इसमें आप US स्टॉक्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अदरवाइज दूसरा ऑप्शन हम अपस्टॉक रिकमेंड करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो अपस्टॉक के थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों ही बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, दोनों को आपको देख लेना चाहिए, जो भी इंटरफेस आपको बेटर लगे उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा XIRR यानी कि एनालाइज्ड रिटर्न्स हैं 21.80%, जो कि एक काफ़ी 20% के ऊपर अच्छा माना जाता है। अगर आपका 14-15% रिटर्न्स बन रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है, और अगर आप उसके ऊपर बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आपको XIRR का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये क्या होता है, ये है एक्चुअली एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल लैंग्वेज में जो भी रिटर्न परसेंटेज है वो एनालाइज कर दिया गया है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने का पर्पस ये है कि आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर रहे हैं, और जो कि सिर्फ सेविंग से नहीं हो सकता है। आज के टाइम पे FD के रेट्स इतने रिड्यूस हो गए हैं कि आप सिर्फ FD करके अर्न नहीं कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं उसमें बेसिकली इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। तो कई बार ये होता है कि मुस्लिम्स वहाँ पर रिकमेंड नहीं करते हैं अपने पैसे को ग्रो करना, तो पैसा बनता है बिजनेस से है। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम म्यूचुअल फंड पे बात करेंगे, कितने म्यूचुअल फंड्स आपको लेने चाहिए, कितने आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जहाँ पे अच्छा पैसा बन रहा है, अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और मैंने कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद हमने कुछ पर्टिकुलर 5 म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे चूज़ किए हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट भी किया है। क्यों इन्वेस्ट किया है ये भी साथ में बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोर्टफोलियो में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पैसा आपको कुछ सेंसेक्स में लगाना चाहिए या फिर निफ्टी 50। बिल्कुल आइडिया नहीं है तो निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं जिसमें आपका पैसा लगता है, और हर साल क्वार्टरली ये रिवाइज भी होता रहता है। तो रिवाइज होने से जो भी कंपनी बेटर परफॉर्म करती है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। वहीं सेंसेक्स एक तरह से होता है, ये इंडिया की टॉप 30 कंपनीज होती हैं। तो जब हमने रिड्यूस कर दिया नंबर 50 से 30, तो अब हमारे पास 30 कंपनीज जो बेस्ट हैं इंडिया की, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप सेंसेक्स में पैसा लगाएं और वहाँ पर अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, और ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देता है। तो यहाँ पर सीधे पहले आपको कैपिटल को अपना सेव रखना है, क्योंकि कैपिटल सेव रहेगा तभी ग्रो करेगा। और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं HDFC का हमने इंडेक्स सेंसेक्स ग्रोथ डायरेक्ट प्लान लिया है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ डायरेक्ट प्लान, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, जहाँ पे भी होते हैं काफ़ी अच्छा होता है लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के देता है। HDFC का अगर शेयर मार्केट भी देखें प्राइस, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है, 2000 के ऊपर इनका एक शेयर प्राइस है। साथ ही इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ शो की है, एक साल में 44.1% का रिटर्न है। तो अगर आप सिर्फ एक साल के लिए भी होल्ड करते हैं और जितना भी कैपिटल आप लगाते हैं तो आपको अराउंड 44.1% का रिटर्न मिलता।
और ये क्योंकि मार्केट से लिंक होता है तो ये ऊपर नीचे इसके प्राइसेस होते रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग ड्यूरेशन की, शॉर्ट ड्यूरेशन पे बात नहीं करते हैं, 1-2 साल 3 साल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 5 साल 10 साल लेके चलते हैं, तो अभी तक के जो डेटा देखा गया है और स्टडी किया गया है तो पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। और कंपेयर भी आप कर सकते हैं, कंपैरिजन के लिए पर्सनली हम कुवेरा ऐप को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही इजीली परसेंटेज, रिटर्न परसेंटेज कंपेयर कर सकते हैं और जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आप अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए होते आपने और इसको 1 साल के लिए भी रखा होता तो वो 1,44,071 रुपीज़ बन चुके होते। वहीं अगर इसको फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर किया जाए तो आपको वो 1 लाख रुपये 1,06,500 होते, 6.5% के रिटर्न के हिसाब से। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट नहीं करते हैं और सिर्फ बैंक में आपका पैसा रहता है तो वो 1,03,500 हो चुका होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। और क्योंकि अगर आप मान लीजिए शॉर्ट टर्म के लिए भी रखते हैं तो 44,000 का अगर आपको 44% का रिटर्न मिल रहा है तो एक अच्छा अमाउंट है। और ये करना इसलिए भी ज़रूरी है इन्वेस्टिंग, क्योंकि हमेशा एक मिडिल क्लास इंसान फिक्स डिपॉजिट की ही तरफ जाता है, उसको क्योंकि बताया जाता है कि फिक्स डिपॉजिट कर लो, बैंक में रख दो, पैसा सेफ रहेगा, तो एक्चुअली उसको इन्फ्लेशन के बारे में पता नहीं होता है। महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो उस पैसे को खाने लगती है, ये आप बोल सकते हैं कि ऐसा कीड़ा है जो धीरे धीरे आपके पैसे को खाएगा। तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। इन्फ्लेशन बेसिकली सीधी लैंग्वेज में महंगाई होती है जो हर साल 5% से बढ़ती रहती है। तो ये जो 5% है, अगर वो 5% आपका पैसा बढ़ भी रहा है तो इन्फ्लेशन की वजह से वो जीरो हो जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि 5% तो आपका इन्फ्लेशन है, उसको आपको बीट करना है, यानी कि 5% से ज़्यादा रिटर्न आप कहीं ना कहीं पे कैसे भी बनाने हैं। तो ये बात हो गई पहले सेंसेक्स या निफ्टी 50 की बात हो गई, तो यहाँ पे रिकमेंड मेरा पर्सनल चॉइस है सेंसेक्स, क्योंकि ये टॉप 30 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और म्यूचुअल फंड क्योंकि रिस्की नहीं है, यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा वहाँ पे वेरी हाई रिस्क लिखा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल्स जो फाइनेंस के जो स्टडी करते हैं फाइनेंस को, वो आपके फंड को मैनेज करते हैं, तो उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, बिल्कुल आप नए हैं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें। अगर आपके पास लमसम नहीं है तो आप SIP कर सकते हैं। लमसम एक आप हैवी अमाउंट एक ही बार में इन्वेस्ट करते हैं उसको लमसम बोलते हैं, और SIP में आप धीरे धीरे करते हैं, जो भी आपका अमाउंट है 1,000 5,000 जो भी आप कर सकते हैं हर महीने। SIP में क्या होता है, रिस्क एवरेज आउट हो जाते हैं, यानी कि रिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप ऐसे टाइम टू टाइम SIP करते हैं हर महीने थोड़ा थोड़ा करके, तो इस तरीके से आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस आता है लमसम और SIP में। काफ़ी बार SIP करने पर लोगों के रिटर्न्स अच्छे बने हैं, और दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो काफ़ी लोगों को लमसम डालने पर कहीं कहीं पर अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, बट हार्डली उसमें 2 या 3% का डिफरेंस होता है, विच इज़ नॉट इवन लाइक इतना ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो हम इतना मैनेज कर सकते हैं 2-3% इधर या उधर। दूसरा यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो हम रिकमेंड करेंगे वो है ICICI का प्रूडेंशियल बैंकिंग जो आप चाहते हैं कि वो ग्रो तो करे लेकिन वहाँ पे लॉस बिल्कुल ना हो। और यहाँ पे वहीं पे काम आता है ये जितने भी डेट फंड्स हैं, तो डेट फंड्स में ये ICICI का प्रूडेंशियल जो बैंकिंग PSU डेट फंड है, ग्रोथ डायरेक्ट प्लान है, 5.5% का रिटर्न दिया है। इसी तरीके से अगर हम 5 ईयर्स का देखना चाहें तो ग्राफ आप देख सकते हैं 7.9% का रिटर्न है। ये रिटर्न परसेंटेज इसलिए यहाँ पे रिड्यूस है क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें एक कन्फर्म रिटर्न होता है, आपका पैसा कहीं लूज़ नहीं होगा, इस वजह से रिटर्न्स भी कम होते हैं। तो जितना ज़्यादा रिस्क कम होगा उतने ही रिटर्न्स भी कम होते हैं, और जितना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होता है उतने रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं। तो ये तो बात हो गई डेट फंड की। अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन दूसरा आप दे सकते हैं ICICI का, ये प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU डेट फंड है, ग्रोथ है, ग्रोथ में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अब आते हैं क्वांट एक्टिव ID CW पेआउट डिविडेंड पेआउट, ये फंड है। तो क्वांट ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। जो भी आपके पास अमाउंट है, ये एक मल्टी कैप है और इसमें इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा, देख सकते हैं इसने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 81.6% का रिटर्न है 1 ईयर का। अगर आपने ऑलमोस्ट पास परफॉर्मेंस हम देख
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम 1 लाख की जगह 50,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट करते हैं, तो वो मेरे 50,000 रुपीज़ एक साल बाद, यहाँ पे हम टाइम चूज़ कर लेते हैं, 50,000 रुपीज़ मेरे 90,792 हो जाते हैं। और 3 साल की बात करें तो 50,000 हमारा 1 लाख के ऊपर हो जाता है, 1,09,000 समथिंग। और अभी तक के जब से ये फंड्स काम कर रहे हैं, तो अगर आपने स्टार्टिंग पे इसको इन्वेस्ट किया होता और अभी तक जितना भी टाइम हुआ है इस म्यूचुअल फंड को, तो ये 50,000 रुपीज़ आपके 2 लाख रुपीज़ हो चुके होते हैं, 2 लाख इनफैक्ट 76,000, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं और आपका पैसा आपके लिए काम करता है, तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो इसीलिए हम एक थर्ड ऑप्शन पे हम इसे रिकमेंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये NAV लिखा हुआ है, यानी कि इनकी इसकी एक यूनिट का प्राइस 46 रुपीज़ है। तो ये फर्दर हम डिटेल्स में अगर आप जाना चाहते हैं तो हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल थर्ड ऑप्शन ये है। फोर्थ पे है पराग पारिक टैक्स सेवर, ये भी एक ग्रोथ है। अच्छा, पहले में हम ये बता दें, डिविडेंड पे आउट यानी कि DP लिखा हुआ है इसके आगे क्वांट में। DP का मतलब क्या होता है? डिविडेंड पे आउट होता है यानी कि हर साल या आपको एक फिक्स डेट पे कुछ ना कुछ डिविडेंड देता रहता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको कुछ पैसा आपके बैंक में मिलता रहेगा। वो कितना होगा वो डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट पे, कितने यूनिट्स हैं आपके पास उसके अकॉर्डिंग, और कंपनी क्या डिसाइड करती है कि वो कितना डिविडेंड देना चाहती है। तो ये तो बात हो गई डिविडेंड पे आउट की। इसमें दोनों तरीके होते हैं। तो एक होता है आपका डिविडेंड री इन्वेस्ट, जो भी आपका पैसा इंक्रीज हुआ है वो दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाता है, और एक डिविडेंड पे आउट होता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ पैसा आपको मिलता रहता है जो भी आपका इंक्रीज होता रहता है। तो यहाँ पे डिविडेंड पे आउट का ऑप्शन इसलिए भी पोर्टफोलियो में रखा है क्योंकि हर इंसान के कुछ ना कुछ खर्च होता है, और एक डिविडेंड पे आउट म्यूचुअल फंड का रहना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को पैसे की ज़रूरत है। तो अगर पैसा वो आता रहे तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा रिटर्न बनता है, और वो रिटर्न अगर हमें मिल जाए तो हम उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिविडेंड पे आउट के लिए भी रखा है ये फंड। नेक्स्ट आते हैं पराग पारिक टैक्स सेवर, ये एक ELSS फंड है। ELSS फंड बेसिकली टैक्स सेवर फंड्स होते हैं, ये टैक्स को सेव करते हैं, और इनका एक साल का रिटर्न आप देख सकते हैं 47.1% का है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 47.1% बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, और जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। अभी तक के इनका जो परफॉर्मेंस रहा है काफ़ी बेटर रहा है, और यहाँ आप बाकी फंड से भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वांट टैक्स का है, दोबारा क्वांट ने आउट परफॉर्म किया है, तो 93.5% एक साल का रिटर्न रहा है। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न परसेंटेज कहीं पे ज़्यादा देख रहे हैं वो भी आप उस फंड को भी चूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती रहती हैं क्योंकि ये मार्केट लिंक होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी बेटर ऑप्शन होगा आपको लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। पास परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो एक साल बाद आपका 1,47,000 समथिंग कुछ अमाउंट हो जाता है। वहीं पे अगर फिक्स डिपॉजिट को देखें तो काफ़ी कम अमाउंट है, और बैंक सेविंग्स में तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपये कुछ आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके बाद आप फंड्स में ये कौन कौन सी कंपनीज़ में होल्डिंग्स रखते हैं ये भी देख सकते हैं, जैसे कि इनकी टॉप होल्डिंग्स बजाज में है, बजाज इन्वेस्टमेंट में ITC, विप्रो, मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, SCL है, टाटा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। तो उसके अलावा आप जितनी भी इनकी होल्डिंग्स है, कितनी परसेंटेज इन्होंने कहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है वो भी देख सकते हैं। तो अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, और वहाँ पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, तो रिटर्न्स ऑब्वियसली बेटर बनते हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ अदर ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि आप मिनिमम SIP कितनी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,000 रुपये से SIP भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास लमसम नहीं है तो आप हर महीने अगर 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको बन के मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो एक बार जैसे आपने 500 रुपये डाल दिए और भूल जाइए, फिर इसी तरह एडिशनल लमसम है कि कभी आपका दिल करा कि 500 आज फिर से डाल दें तो दोबारा 500 रुपीज़ मिनिमम डाल सकते हैं। पोर्टफोलियो का टर्नओवर देखें 7% का है, और लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का, यानी कि 3 साल तक के ये लॉक इन रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड आप देख सकते हैं नो एग्जिट लोड, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम से पहले, 3 साल से पहले लॉक इन पीरियड, इससे पहले आप जो भी पैसा निकालते हैं उस पर कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहाँ पे आपको ये एग्जिट लोड देखने को मिलेगा, तो कोशिश कीजिए ऐसे म्यूचुअल फंड्स को चूज़ कीजिए जहाँ पे एग्जिट लोड ना हो, क्योंकि इन केस हमें पैसे की ज़रूरत पड़ गई और हमने पैसा अपना निकाल लिया तो हमें कोई चार्जेस ना देना पड़े। साथ ही इसमें बात करेंगे इस फंड के मैनेजर कौन है, इनका आप नाम दे सकते हैं, इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ऑब्वियसली आप ये सब देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाती है, और काफ़ी सही एप्लीकेशन है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। अब लास्टली हमने यहाँ पे खुद देखें तो SIP में हमने पराग पारिक टैक्स सेवर है क्योंकि इसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है,
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप SIP कर सकते हैं। और एक्सिस ब्लू चिप ग्रोथ फंड है। अब जहाँ पे ये ग्रोथ होता है ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा, ये कम से कम आप 5 से 10 साल के लिए होल्ड कीजिए और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के मिलते हैं इसमें। तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन है आप लमसम की जगह SIP कर सकते हैं। और SIP से रिस्क एवरेज आउट हो जाता है, रिस्क कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप कंपनीज, ब्लू चिप एक वर्ड है जो मतलब टॉप कंपनीज होती हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, काफ़ी सालों से अच्छा परफॉर्म करती चली आ रही हैं, उन्हें हम ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं। और वो पैसा बना के देती हैं, अगर शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर देती हैं। इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे बात करें एक्सिस ब्लू चिप की, तो ग्रोथ डायरेक्ट प्लान है ये, 43.3% का इन्होंने एक साल में रिटर्न बना के दिया है। 6 महीने की बात करें तो 8.8% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि एक FD से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप FD में पैसा रखते हैं तो आप सोचिए 1 लाख रुपये पर आपको 8,000 रुपये मिलते हैं एक साल बाद, लेकिन वहीं पर अगर 6 महीने के लिए भी आप एक्सिस ब्लू चिप में इस फंड में पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा 8 गुना ज़्यादा बढ़ता है, यानी कि 8.8% से ग्रोथ होती है उसमें। इसके अलावा साथ में 3 ईयर्स का रिटर्न भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16.5% का रिटर्न है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है ऑब्वियसली कैलकुलेशंस उसके हिसाब से होते हैं। रिस्क हाई है इसमें, पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें 1 लाख रुपये लगाए होते हैं तो वो 1,43,000 हो जाते हैं, 3 साल में 1,58,000 हो चुका होता है आपका अमाउंट। और आपको अच्छी बात यह कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पैसे लगा के भूल जाना है और आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। इन केस जैसे रिसेशन आया, मंदी आई अभी और काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया मार्केट में, लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, तो ऐसे मौके पर आपका इन्वेस्टेड रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपकी कल सिक्योरिटी है। और आपकी सिक्योरिटी के साथ साथ ये आपको प्रोवाइड करता है 10 साल बाद 15 साल, एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर आपने ये वेस्ट कर दिया टाइम और अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं किया तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती होती है जो बाद में लोग रिग्रेट करते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लोगों को इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए, यही मेरा एक सजेशन है। इसके अलावा आपने देख ही लिया होगा, तो ये थे मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड्स जिसमें हमने इन्वेस्ट कर रखा है। और इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके फंड्स को आप इंक्रीज़ करते जाइए, जितना ज़्यादा फंड होगा उतना ज़्यादा आपका पैसा ग्रो करता रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ग्रीन पार्ट से ग्रीन कलर से दिख रहा है टैक्स, वो यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है। कभी कदर आपको इसमें रेड में भी टैक्स देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल नए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल नए हैं मार्केट में या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो कभी कदर लॉस भी होता है तो वो आपको रेड में दिखाई देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो फंड है आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है। मैंने इन्वेस्ट किया था ऑलमोस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,38,000। इस टाइम पे कुछ भी किए बगैर मेरा फंड इंक्रीज़ हो रहा है, 1,46,000 हो गया है। और जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है ये पैसा भी बढ़ता जाता है। और कहीं ना कहीं आपका ये करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे ये फंड आपके ही काम आएगा, आपके लोगों के काम आ सकता है, कभी भी इंसान के साथ इमरजेंसी हो सकती है तो उसमें काम आ जाता है। और अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसे कभी भी रिडीम कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपको मिलता है। मान लीजिए हमको इस टाइम पर ज़रूरत पड़ गई और हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम इसमें से पैसे रिडीम कर सकते हैं। सपोज़ मेरे 50,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्टेड हैं और सडन मुझे रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रिडीम का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप रिडीम कर सकते हैं। इन्वेस्ट का ऑप्शन बहुत इजीली मिल जाता है, और स्विच का मतलब अगर आप यही पैसा किसी और म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं तो आप दूसरे म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड्स की और रिटर्न परसेंटेज की, एक अच्छा परसेंटेज कैसे बनाएं। और डेट फंड्स हम बहुत कम रिकमेंड करेंगे उन लोगों के लिए जिनके पास एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन है, 40 से 50 साल उनकी ज़िंदगी के बाकी हैं, जिसमें वो अपने फंड को इक्विटी में डायरेक्ट डाल के ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी में बनता है। और डेट क्योंकि बैंक से ऑलमोस्ट पैसा बनाता है और इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, तो अपने मुस्लिम फ्रेंड्स को हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप डेट में जाएं। ये जस्ट मैंने इसको सीखते टाइम एक ट्राई किया था और जल्दी हम इसको विड्रॉ कर लेंगे इसमें से। और इक्विटी में पैसा रखना रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आपको जो मिलता है वो प्रॉफिट मिलता है कंपनी की तरफ से, तो इक्विटी में रखिए, इक्विटी में पैसा ग्रो करता है। और इक्विटी में रिस्क जितना हाई होता है रिटर्न्स भी हाई होते हैं। उसके अलावा ये टैंजिबल्स आप देख सकते हैं 1% है। ये आपको एप्लीकेशन कुछ ना कुछ गोल्ड देता है एज बोनस, तो वो उसमें इस तरह से शो होता है। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आपका इक्विटी का परसेंटेज होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास ग्रोथ होगी।